आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तेजी से चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में रैली को संबोधित करने आए कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में रात गुजारनी पड़ी। उसके बाद मंगलवार सुबह वो दिल्ली के लिए रवाना हुए। बीती शाम खराब मौसम और ईंधन खत्म हो जाने के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत बीजेपी के नेताओं ने दावा किया कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म हो गया है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दावा करते हुए तंज कसा कि राहुल गांधी की पार्टी और उनके हेलीकॉप्टर का ईंधन खत्म हो गया है। शिवराज ने कहा, राहुल गांधी आज शहडोल आए लेकिन ईंधन की कमी के कारण उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। अगर कांग्रेस का ही ईंधन खत्म हो गया है तो राहुल के हेलीकॉप्टर के लिए ईंधन कहाँ से आएगा। मेरा एक पद पक्का है, आपके सेवक का, वो जन्म भर रहेगा, चिंता मत करो, आपके साथ रहूंगा। आओ मेरे बहनों और भाइयों, संकल्प है छिंदवाड़ा में, अगर मैं भी सांसद बन जाऊंगा तो थोड़ा बहुत धर्म मैं भी निभाऊंगा, मामा भी तो बुरा नहीं है। राहुल गांधी अपनी पार्टी के लोकसभा अभियान के लिए मध्य प्रदेश के दौरे पर थे। सोमवार को उन्होंने सिवनी में सभा को संबोधित किया और फिर शहडोल के बाणगंगा मेला मैदान में भी उन्होंने सभा ली। इसके बाद जब उन्हें लौटना था तब हेलीकॉप्टर का फ्यूल खत्म हो गया, मौसम भी खराब हो चुका था, इस वजह से राहुल को रात शहडोल में गुजारनी पड़ी। रात को उन्होंने जंगल में ढाबे में जाकर रात्रि भोज किया। रास्ते में महुआ बीन रही महिलाओं के साथ उन्होंने बातचीत की और उनके साथ महुआ भी बीना। महिलाओं से कांग्रेस को वोट देने की अपील भी की। फिर सुबह 5 बजे उमरिया की हवाई पट्टी से दिल्ली के लिए उड़ान भरी। शहडोल से उमरिया तक वो सड़क मार्ग से गए।